इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस अभिभाषण में पूरा अभिभाषण मैंने पढ़ा, इसमें पूरा ही कांग्रेसीकरण शब्दों का उपयोग किया गया है, घोषणाएं की गई हैं, इसलिए मैं पूर्ण जोर इसके उसकी बुराई करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सभापति महोदय निवेदन करता हूँ कि लंबे समय से मेरे विधानसभा क्षेत्र घाटोल में उपखंड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है, वहाँ पर पूरा ही जनजाति क्षेत्र है, आदिवासियों की लड़कियाँ लड़के वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाने से वो भारी मात्रा में फीस लगती है जिससे आगे पढ़ाई में बढ़ नहीं सकते। ऐसे में सरकार से मैं मांग करता हूँ कि घाटोल मुख्यावास पर एक सरकारी महाविद्यालय खोला जावे। साथ ही पूर्व वक्ताओं ने, सत्ता पक्ष के साथियों ने ये बात भी कही कि भारतीय जनता पार्टी का राज 20 साल तक राजस्थान में रहा, लेकिन उनके गुणगान आपके सदस्य कोई नहीं गा रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर विकास की शुरुआत की तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने और राजस्थान के गांवों का विकास किया, राजस्थान के पक्के मकान पंचायत भवन बनाने का काम किया, राजस्थान के अंदर पक्की मिडिल स्कूल बनाने का काम किया, काम के बदले अनाज योजना निकाली। आदरणीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे गुलाब जी भाई साहब, ये जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उन्होंने इस गरीब बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम सरकार के खजाने से पैसा दे करके निःशुल्क वितरण करने का काम अगर किसी ने किया उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और सत्ता पक्ष के साथियों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे उस समय, आज आप तो एक नामी सीनियर स्कूल और कॉलेज गिना रहे हो, लेकिन एक लाइन के अंदर राजस्थान के हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल खोलने का आदेश वसुंधरा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। खेल जगत की बात आप कर रहे हो, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का नाम दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि एक खिलाड़ी ऐसा पैदा हुआ उदयपुर आदिवासी परिवार का, ललित करके नाम है, मैं ये फाइल लेके आया हूँ, जिन्होंने पूरे देश के अंदर, मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के दृष्टिबाधित बेटे ने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, टीबी वर्ल्ड कप जीतने वाला भारतीय ब्लाइंड टीम के ऑलराउंडर प्लेयर उदयपुर के ललित हैं, जो अलसीगढ़ पंचायत में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ उसको सम्मान मिले, उसके परिवार को सहयोग मिले और जिला स्तर का अधिकारी के रूप में इनको प्रमोशन दे करके सम्मान दे, ऐसी मेरी मांग है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीपलकोट का क्षेत्र नॉन कमांड आता है, हमारी सरकार थी उस समय माई के बैक वाटर से हाई लेवल कैनाल निकालने के लिए 2200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, और सरकार बदलने के बाद वो फाइलें दबा दी गई। वहाँ पर दो तीन बड़े बड़े बानगटी का तालाब है, डुंगलावाणी का तालाब है, इन तालाबों में नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। साकी चिकित्सा के क्षेत्र में पीएससी सीएससी में पद रिक्त हैं, डॉक्टर नहीं हैं, कोविड में जो कर्मचारी लगाए थे उनको हटा दिए, उनको वापस लगाने की मांग करता हूँ। जो संविदा कर्मी में आंगनवाड़ी बिजली विभाग में ठेकेदार प्रथा समाप्त करने की मांग करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। श्री गोपीचंद जी मीणा।